For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. बादशाहो एक्ट्रेस इलियाना डी क्रूज अब तक बॉलीवुड और साउथ में दर्जनों फिल्में कर चुकी हैं। बर्फी से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद इलियाना एक के बाद एक हिट फिल्में देती नजर आईं। पर क्या आप जानते हैं, बर्फी से कई सालों पहले ही इलियाना बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती थी और वो भी सलमान खान के ऑपोजिट। जी हाँ, एक हालिया इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए इलियाना ने बताया कि बोनी कपूर ने उन्हें वांटेड के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उस समय उनके एग्जाम्स होने के कारण उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और आज भी वो अपने इस डिसीजन के लिए पछताती हैं। वेल, पछतावा होना तो जायज है, आखिर सलमान खान के ऑपोजिट दिखने का मौका जो हाथ से चला गया। तो दोस्तों, आप किस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कॉमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें। अब ये खबर है उनके लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, संजय लीला बंसाली की अपकमिंग मैग्नम ओपस पद्मावती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर का। अगर मार्केट रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पद्मावती का मच एंटिसिपेटेड टीजर देखने को मिल सकता है इस दशहरा को। जी हाँ, अब हुई ना ये एक एक्साइटिंग बात। वेल, इसका फर्स्ट लुक पोस्टर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया और अब टीजर के रिपोर्ट्स के बाद हमें इंतजार है ट्रेलर का। आप सबको ये तो पता ही होगा कि संजय लीला बंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में दिखाई देंगे रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में, शाहिद कपूर, रावल रतन सिंह और दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती का रोल प्ले करते हुए। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है इस मूवी का, हमें बताइए और कमेंट करिए।